हे ऑल, इट्स योर बीटेक कॉमर्स वाला। सो चलिए आपको थर्ड स्किल बैच का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं बिगनर लेवल में 5 to 7 मिनट्स के अंदर। ये अपना स्किल बैच है, इस पर क्लिक करते हैं। ये 4 लैब हम लोग कंप्लीट करनी है। बस 2 पॉइंट्स को ध्यान रखना। पहला, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिपॉजिटिक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसी से हम लोग कमांड्स को यूज करेंगे। तो फर्स्ट लैब पर क्लिक करना। लैब को स्टार्ट करके फिर कंसोल को ओपन करने का जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा सारी लैब में, पिछले स्किल बैचेज में भी सेम था और ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप खुद से कर सकते हैं। कंसोल पर क्लिक करोगे, इंटर करना, पेस्ट करना, इंटर करना, इसको एक्सेप्ट कर लेना और सेटअप करने के बाद क्लाउड सेल को ओपन करना। अपनी स्किल बैच का नाम है गेट स्टार्टेड विद पबसब, ये वाला है, इस पर क्लिक करेंगे और पहली लैब है अपनी ये, तो इस पर क्लिक करना। ये कमांड हम लोग यूज करना है टॉपिक और सब्सक्रिप्शन को क्रिएट करने के लिए। इसको आई एग्री करके एग्रीइंग कंटिन्यू कर देना। अब क्लाउड सेल पर क्लिक करना, इसको एक्टिवेट करेंगे, कंटिन्यू कर देना। यही दोनों टास्क है इसमें जो हम लोग को परफॉर्म करने हैं। क्लाउड सेल ओपन हो गया है, अब यहाँ पे जाना और ये जो दोनों कमांड है इनको कॉपी करेंगे, पेस्ट करना, इंटर करना, ऑथराइज कर देना। बस अपना काम हो गया, लैब कम्प्लीट हो जाएगी, डन। अब यहाँ पे आना और दोनों टास्क को चेक माई प्रोग्रेस करा लेना। पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, ठीक है। तो लैब कम्प्लीट हो गई है, लैब को एंड करते हैं। अब चलते हैं सेकेंड लैब पे। उससे पहले ये वाले अकाउंट को यहाँ से साइन आउट कर देना और फिर यहाँ पे रिमूव भी कर देना। सेकेंड लैब को स्टार्ट करना और कंसोल को सेटअप करना जैसे पिछली लैब में किया था। और ये अपनी लैब के सॉल्यूशन की लिंक है क्लाउड शेड्यूलर वाला। कंसोल ओपन हो गया है, अब क्लाउड सेल पर क्लिक करना, इसको एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ से तीनों कमांड को एक साथ कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्लाउड सेल में पेस्ट करना, ऑथराइज करना। बस जैसे ये तीनों कमांड रन हो जाएंगे आपकी लैब कंप्लीट हो जाएगी, डन। अब यहाँ पे शायद एक ही टास्क है, हाँ, इसको चेक माई प्रोग्रेस करा लेना। लैब कंप्लीट हो गई है, लैब को एंड करते हैं। अब चलते हैं अपनी थर्ड लैब पे। लैब को स्टार्ट करना और कंसोल को सेटअप करना। और ये अपनी कोड की फाइल है, इस पर क्लिक करना। पहले हम लोग को रीजन का एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करना है, उसके बाद फिर इस पर कमांड को रन करेंगे। कंसोल सेटअप हो गया है, अब क्लाउड सेल पर क्लिक करना, इसको एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ से ये रीजन वाले कमांड को कॉपी करना। मेरे में US वेस्ट 1 रीजन यूज करना है, आपके में कुछ और होगा। क्लाउड सेल ओपन हो चुका है, कमांड को पेस्ट करना, देन यहाँ से इस कमांड कॉपी करेंगे, रीजन को पेस्ट करना, इंटर करना, आपके में कुछ और होगा। और फिर ये जो सेकंड कमांड है को यहाँ ध्यान से कॉपी करना, पेस्ट करना, इंटर करना, ऑथराइज कर देना। और बस जैसे ही ये टास्क रन हो जाएगा आपकी ये वाली लैब कम्प्लीट हो जाएगी। सो यार, टॉपिक और सब्सक्रिप्शन क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे चल के चेक माई प्रोग्रेस करा लेते हैं। पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, तो ये लैब भी कंप्लीट हो गई है। लैब को एंड करते हैं। अब चैनल लैब पे चलते हैं, अपनी आखिरी लैब पे। सो यार, ये अपनी लास्ट चैनल लैब है, लैब को स्टार्ट करते हैं। लैब स्टार्ट हो गई है, कंसोल को सेटअप कर लेना एंड ये अपनी कोड फाइल है, इसको ओपन करना। पहले हम लोगों को रीजन सेटअप करना है, तो इस वाले कमांड को कॉपी करेंगे। कंसोल ओपन हो गया है, अब क्लाउड सेल को सेटअप करते हैं। क्लाउड सेल ओपन हो गया है, कमांड को पेस्ट करते हैं। अब रीजन आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, यहाँ से कॉपी करना अपना और फिर यहाँ पे पेस्ट करना। रीजन का एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो गया। अब ये जो कमांड है इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करना, इंटर करना। अब ये फॉर्म नंबर पूछेगा, फॉर्म नंबर चेंज होगा, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। मेरे केस में है फॉर्म 2, आपके में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो भी हो यहाँ पे लिख के, जैसे मैंने 2 लिखा, इंटर दबाया। अब इसको ऑथराइज कर देना। जैसे ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा आपकी लैब कंप्लीट हो जाएगी। इस पर कोई लैब में 3 टास्क हैं जो हम लोग को परफॉर्म करने हैं। स्कीमा क्रिएट हो गया है, थोड़ी देर वेट करते हैं, ऐसा कुछ आउटपुट जनरेट होगा। पहला टास्क अपना कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगर एरर आए तो टेंशन मत लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड टास्क को चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं, डन। क्लाउड फंक्शन भी डिप्लॉय हो चुका है, तो अब लास्ट वाले टास्क को भी चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं, डन। तो अपनी लैब कंप्लीट हो गई है, लैब को एंड करते हैं। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।